हेलो एवरीवन, मैं केजे क्लासेस के सब्सक्राइबर्स की ओर से मैं सीए पारस अग्रवाल आप सब लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं कपिल सर। कपिल सर जीएसटी के बहुत ही अच्छे फैकल्टी, बहुत ही अच्छे नॉन फैकल्टी हैं, प्लस इसके साथ ही एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में हमें जीएसटी पोर्टल पे कुछ चेंजेस देखने को मिले, जो कि इम्प्रूवमेंट कुछ जीएसटी वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हुई है, उसके बारे में हम कुछ यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए सर के साथ मिले हैं। क्या मैं सर के से ये जानना चाहता हूँ कि सर, जो कुछ चेंजेस अभी अभी जीएसटी पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हुए हैं, सर क्या ये चेंजेस हमें कुछ बेनिफिट दे रहे हैं? क्या पहले कुछ ऐसी कमियां थी जिसको ओवरकम करने के लिए डिपार्टमेंट ने ये चेंजेस को पोर्टल पे रिफ्लेक्ट किया है? देखिए पारस जी, मैं आपको बताऊं, जीएसटी के अंदर ना बदलाव बहुत है, ठीक है ना, और हमें इस बदलाव को समझना होगा। और बदलाव ही प्रकृति का नियम है जी सर। जिस व्यक्ति ने अपने में बदलाव करा, ठीक है ना, वही सक्सेस हुआ समय के साथ साथ। तो ये जो जीएसटी पोर्टल है, जब हमारा जीएसटी आया था 2017 में, उसके बाद से चेंजेज होते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे चेंजेज हो गए हैं, बहुत सारे चेंजेज होने बाकी हैं। एज ए प्रोफेशनल हमारा काम क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी चेंजेज हुए हैं उन्हें हमें समझना है, ठीक है, और अपने यूजर्स को समझाना है जिससे कि उन्हें दिक्कत ना हो। कुछ चेंजेज ऐसे होंगे जिससे कि हमारे यूजर्स को फायदा होगा, सब्सक्राइबर को फायदा होगा, कुछ हो सकता है नुकसान भी हो। अब चेंजेस ऐसा नहीं होता कि कोई भी गलती हमने पकड़ी, ठीक है ना, और उस गलती को पकड़कर तुरंत चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होता भाई। ये जीएसटी का पूरा सॉफ्टवेयर है, अगर यहाँ पर हमारे को एक वर्ड भी चेंज करना है, एक डेट भी चेंज करनी है, उसके अंदर भी टाइम लगता है। तो चाहे वो हमारी 3B का डिजाइन हो, चाहे हमारी GSTR1 का डिजाइन हो, किसी भी चीजों का डिजाइन हो या कोई भी ऑप्शन है वो लगाना है, तो जब हम GSTN पोर्टल को बोलते होंगे, जिस कंपनी को हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जब हम उसे बोलते होंगे तो टाइम तो लगता है। तो चेंजेस हमारे को जितने भी हैं जीएसटी में वो हमें अडोप्ट करने चाहिए, जो भी अच्छे चेंजेस हैं, ठीक है सर। तो GSTR1 में और IFF स्टेटमेंट जो कि हम QRMP के दौरान फाइल करते हैं, इन स्टेटमेंट्स में अभी आए हुए कुछ चेंजेस जो कि 27 तारीख की एक जीएसटी नेटवर्क के द्वारा कुछ चेंजेस हमें बताए गए हैं, उन चेंजेस के ऊपर हम सर से बातचीत कर रहे हैं। सर, GSTR1 में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले जिसमें कुछ पुरानी फैसिलिटीज थी वो रिमूव करी गई और कुछ न्यू फैसिलिटीज लगाई गई, ऐसे सर क्यों है? क्या पहले कुछ लंबा प्रोसेस था जिस प्रोसेस को कुछ इजी किया गया है? क्या ऐसा सर पहले था जो कि अब रिमूव कर दिया है जीएसटी में? देखिए पहले था कंफ्यूजन, अब उस कंफ्यूजन को खत्म कर दिया गया, और इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए जीएसटीएन को 5 साल लगे। देखिए क्या कंफ्यूजन था, 2017 से लेकर 2022 में कंफ्यूजन खत्म हुई है। अगर आपको बताओ 3B और GSTR1 में जब भी आपने कोई रिटर्न बना दी तो उसके दो स्टेप हुआ करते थे। पहला स्टेप हुआ करता था कि सबमिट करो, ठीक है ना, अब जब हम उसे सबमिट कर देते थे उसके बाद ना तो आप GSTR1 में कोई चेंज कर सकते हो, बिल्कुल सर, ना 3B में कोई चेंज कर सकते हो, लेकिन सबमिट के बाद एक बटन और आता था फाइल। फर्क क्या था इन दोनों में, डिफरेंस में, कि अगर तुमने अपनी कोई भी रिटर्न सबमिट कर दी तो सबमिट के बाद आपकी लेट फीस का मीटर बंद नहीं होगा, लेट फीस का मीटर सबमिट के बाद भी चालू रहेगा, ठीक है ना जी, जी सर। लेकिन इसके बाद चेंजेज कुछ नहीं कर सकता कोई, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हो जाते थे कि भाई चलो हमने सबमिट कर दी तो सबमिट का मतलब है काम खत्म, तो कई लोग फाइल करना ही भूल जाते थे, लेकिन उनकी लेट फीस का मीटर चालू होता था। सामने वाले को, अगर मैं GSTR1 की बात करूं तो सामने वाले को रिसीपिएंट को दिक्कत आती रहती थी, बिल्कुल सर, ठीक है ना। अगर मैं 3B की बात करूं तो इसका स्टेटस नहीं आता था, तो ये ना कंफ्यूजन थी। तो इस कंफ्यूजन की डिमांड थी कि भाई इसे दूर करो, ठीक है ना, आप अपनी लेट फीस का मीटर तो चालू कर लेते हो, कई लोग सबमिट करके भूल जाते हैं, फाइल ही नहीं करते। सर इसमें हमने कुछ और भी चीजें देखी, जैसे कि सबमिट करने के बाद कुछ देर हमें वेट करना पड़ता था इसकी समरी रेडी होने में, बिल्कुल, कुछ रिफ्रेश करके हमें बार बार देखना पड़ता था, जिसमें टैक्स पेयर का टाइम वेस्ट होता था, जो कि सर अब तो नहीं है ऐसा कुछ। हाँ नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इसी की वजह से हमारा जो हिंदुस्तान है ना, हैप्पीनेस में ना पाकिस्तान से भी नीचे चला गया। जो लोग जीएसटी का काम कर रहे थे वो पहले सबमिट करते थे, फिर उसके बाद रिफ्रेश रिफ्रेश दबाते थे, फिर उसके बाद ये फाइल का बटन आता था, तब वो ऐसा करते थे। तो जब इन्होंने देखा कि भाई इंडिया का इंडेक्स जो है ना
पाकिस्तान से भी नीचे जा रहा है जीएसटी की वजह से, तो इन्होंने सोचा कि इसे चेंज कर दो, तो अब ये सबमिट वाला जो कलेश है ना वो खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारे पास एक ही शॉट होगा कि फाइल करो, काम खत्म। क्योंकि पहले भी सबमिट के बाद चेंज नहीं कर पाते थे। आप डिपार्टमेंट चले जाओ, मान लो किसी ने ऐसा हुआ, अकाउंटेंट ने क्या करा, सबमिट कर दी रिटर्न, ठीक है, किसी भी प्रोफेशनल ने। अब उसके बाद ओटीपी चला गया ओनर के पास, अब ओनर ने कहा भाई तूने सबमिट तो कर दी लेकिन तूने तो गलत फाइल कर दी मेरी, मैं तो ओटीपी नहीं डालूंगा। अरे भाई तुझे डालना पड़ेगा ओटीपी, तू बच ही नहीं सकता। बिल्कुल, चाहे तो डिपार्टमेंट चला जाए, चाहे हाई कोर्ट चला जाए, चाहे जहां मर्जी चला जाए, अब तो तुझे ओटीपी डालना ही पड़ेगा। तो उसका कोई रेलिवेंस नहीं था। या तो पहले रेलिवेंस ऐसा होता कि सबमिट के बाद आप चेंज करने का ऑप्शन दे देते कि पता लग जाए, तो ठीक है ना। तो ये फालतू का था, तो अब इसे टू स्टेप को खत्म करके ना सिंगल स्टेप कर दिया है, तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने कराए मेरे अकॉर्डिंग। तो सर और क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिले हैं, क्या क्या और हमें बेनिफिट्स मिलेंगे इस चेंज से? देखो भाई, सारे जो बदलाव हुए हैं वो तो अब की बार की जो हमारी मैगजीन है मई 2022 की, उसके पूरे 30 पन्नों में हमने बता दिया है, जीएसटी का भी बता दिया है और इनकम टैक्स का भी बता दिया है। और इस बार की जो मैगजीन बनाने का पूरा श्रेय जाता है वो सीएजी को जाता है, पारस अग्रवाल जी को, ठीक है ना। इन्होंने ही सारी मेहनत करी है, पूरी मैगजीन इन्होंने बनाई है और आने वाले टाइम में ये ही सारी मैगजीन देखेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। और बहुत अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है, मतलब हमारे एडिटर की टीम में शामिल होने वाले हैं ये, ठीक है। तो सारे चेंजेस तो आप मई 22 की अगर मैगजीन पढ़ोगे तो उसमें बता देंगे। मोटे मोटे चेंजेस आपको बता देता हूँ कि मोटे मोटे चेंजेस क्या हुए। एक ना जो कंसोलिडेटेड समरी है, ठीक है ना, वो वाली समरी, ठीक है ना, पहले पोर्टल नहीं बनाता था, वो हमें एक्सेल वगैरह में करनी पड़ती थी। अब इस तरह की समरी वो बनाकर हमें देगा पोर्टल, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि हमारी टर्नओवर कितनी है। उसका पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं होगी, हमारे को पोर्टल से ही हम समरी निकाल लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो एक चेंजेज है वो ना रिसीपिएंट वाइज समरी देगा, ठीक है। रिसीपिएंट वाइज समरी में क्या बताएगा कि भाई आपकी हर टेबल पर कंसोलिडेटेड समरी आ गई है, और उसके बाद रिसीपिएंट वाइज समरी कैसे है। जैसे अगर मैं बात करूं B2B सप्लाई की कैसे है, ठीक है, जो सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज है वो कैसे है, तो सबकी एक टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पर गलती के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, हमें पता लग जाएगा। पहले वाली चीज हम PDF के जनरेट करके करते थे, लेकिन अब ये यहाँ पे हमें ऐसे ही बता देगा, तो ये थोड़ा सा ना इजी हो जाएगा, यूजर फ्रेंडली हो जाएगा मेरे हिसाब से। सर देखने को मिला है कि जो पीछे हम समरी जनरेट करते थे वो भी हमें एक एक रेसिपिएंट के बारे में हमें डिटेल्स नहीं देता था, वो हमें इन एग्रीगेट हमें बताता था कि हमने रजिस्टर्ड सप्लाई, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, रजिस्टर्ड कस्टमर को कितना हमने सप्लाई किया है। लेकिन अभी ये देखने को मिल रहा है इस इम्प्रूवमेंट के बाद कि हर एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट के लिए हमें अलग से ये पता चलेगा कि हमने उसको कितनी टैक्सेबल सप्लाई करी है, कितना उसके पे टैक्स चार्ज हो रहा है और कितना टोटल इनवॉइस का वैल्यू है, ये सब चीजें हमें इस बार जानने को मिलेंगी। अभी इन्होंने GSTR1 में तो कर दिया, लेकिन 3B में भी अभी बहुत चेंजेस आने हैं। जैसे आपने पूछा ना और क्या आ सकते हैं, तो 3B के अंदर भी क्या है, जैसे कि अभी भी एग्जम्प्ट सप्लाई कहाँ जाएगी वो क्लियरिटी नहीं है। कोई 3.1A में डालता है, कोई कहता नहीं हम तो एग्जम्प्ट में डालेंगे, तो ये सारी क्लियरिटी अभी आनी बाकी है। ये वाली क्लियरिटी इन्होंने GSTR1 को थोड़ा सा इजी कर दिया। सर क्या आने वाले टाइम में कुछ और GSTR1 में बदलाव की आवश्यकता है, कुछ और रिक्वायरमेंट्स GSTR1 में नेसेसरी हैं जो आनी चाहिए टैक्सपेयर के लिए? बिल्कुल आनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि HSN वाइज समरी ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए, भाई हमने जब ऊपर डिटेल डाल दी है तो कम से कम अमाउंट वगैरह सारी चीजें आ जाए, फिर HSN हम डाल दें, ठीक है। या मैं बात करता हूँ जो डॉक्यूमेंट इशूड है, डॉक्यूमेंट इशूड की समरी बहुत लोग नहीं डालते, वो भी आ जानी चाहिए ऑटोमेटिकली, कुछ इस तरीके से हो। या इनके डाले बिना रिटर्न इनवैलिड दिखा दे, ठीक है, या एक बार आपको ये दिखा दे कि भाई क्या है, एंश्योर कर लो कि हाँ भाई ये तुमने डाल दिया, यानी पॉपअप मैसेज दे दे, एरर मैसेज दे दे, कुछ तो दे दे। लेकिन अभी HSN वाइज या डॉक्यूमेंट इशू जो नहीं डालता है उसकी रिटर्न भी सबमिट हो जाती है, क्योंकि हो सकता है मेरी कोई समरी ना हो, इनकी रिटर्न हो, तो यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन है कि भाई HSN डाले या नहीं डाले। लेकिन आप टेंशन ना लो, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ना हमने क्या करा भाई, हमारी ये मई मैगजीन है, मई महीने की मैगजीन है, इसमें कंटेंट देख लो, अब की बार पारस अग्रवाल जी ने कितना सारा कंटेंट दिया है, तो मतलब पैसे वसूल मैगजीन है। तो अगर आपको इसे सब्सक्राइब करना है तो आप हमारी टीम से बात करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा ना हमने क्या करा, एक GST लाइब्रेरी का भी उद्घाटन करा है, ई लाइब्रेरी। अच्छा ठीक है, उसमें क्या होगा सर? उसमें क्या होगा कि पूरा जो GST का एक्ट है, पूरे जो GST के रूल्स है,
जो हाई कोर्ट की जजमेंट्स है वो सारी की सारी आपको ई लाइब्रेरी की फॉर्म में मिल जाएगी। आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा, आप वहां पर लॉगिन करके सारा लिटरेचर पढ़ सकते हो। मतलब एक ऑनलाइन किताब हो जाएगी जो डेली बेसिस पर अपडेट होगी। इसकी एप्लीकेशन के लिए सर क्या करना होगा? इसकी एप्लीकेशन के लिए अभी आपको हमारी टीम से बात करनी होगी, इस पे व्हाट्सअप करना होगा, वो इसका लिंक आपको दे देंगे, आप उसे देख सकते हो और उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अंदर आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है ना, मैं नोटिस के रिप्लाई देता हूँ, मैं अपील्स बनाता हूँ, तो मेरे को क्या होता है वो कंटेंट कॉपी करना होता है, तो आप वहां से वो कंटेंट भी कॉपी कर सकते हो। या जैसे मुझे देखना कि भाई सेक्शन 16 में क्या क्या चेंज हुआ है, तो जैसे ही मैं वहां पर सेक्शन 16 खोलूंगा ना, तो मुझे नीचे भी सारा अपडेटेड लॉ मिलेगा। भाई ये सारा लॉ आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, लेकिन गूगल पर पता नहीं कि अपडेटेड है नहीं है, तो वो सारी चीजें आपको हमारी इस बार की जो ई लाइब्रेरी हमने बनाई है आप उसका सब्सक्रिप्शन लेके कर सकते हैं। जी सर, GSTR 1 में जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में आप और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस इसमें यही चेंजेस है, और बाकी सबके लिए तो आप हमारी मैगजीन को फॉलो करना, उसमें अलग अलग ऑप्शन डाले गए हैं। अगर मैं बात करूं तो एक अनरजिस्टर्ड का भी ऑप्शन इन्होंने पोर्टल पर डाला, काफी बदलाव है इस बार, तो आप मैगजीन को रेफर कर सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आप सब लोगों को धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएं आप लोगों को अच्छा लगा हो तो, और बेल का बटन प्रेस करें। आगे की वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।